तो साथियों, हम लोग देख रहे थे दृष्टि आईएएस की एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज, दृष्टि आईएएस की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब टेस्ट सीरीज जो आपके आने वाले एग्जाम आरओएआरओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए ये कंबाइंड टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स की चीजें हैं, यानी आपको इसमें सामान्य विज्ञान संबंधित सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजों को आपके सिलेबस के हिसाब से इसमें हर एक टॉपिक को टच करते हुए प्रश्न रखे गए हैं। और जो साइंस में जो कुछ घटनाएं घटी हैं अभी हाल ही में, उससे संबंधित चीजों को दिया गया है। तो इसको हम दो पार्ट में करवा रहे हैं। इसका पहला पार्ट हम लोग करवा ले, इसको मालूम है आप लोगों को, इसमें 150 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज है। तो और इसमें पहले पार्ट में, इसके जस्ट पहले हमने अपलोड किया है, आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लीज जाकर देख लीजिए आरओएआरओ की प्लेलिस्ट में। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग, वीडियो बहुत लंबी न हो जाए इसके लिए, इसका पहला पार्ट हम बनाए थे, 80 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग उसमें। अब हम लोग दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 150 तक हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें सारी की सारी आज की वीडियो हमारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, करेंट अफेयर्स में जितने पुरस्कार, जितने मतलब ये सूचकांक और सभी बेहतरीन चीजें, और साइंस में जो बेहतरीन चीजें हैं, जैसे जो जितने भी बेहतरीन कोर चीजें हैं जो हमेशा पूछी जाने वाली चीजें हैं वो है इसमें। तो प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस समय हम लोग जो है टॉपिक वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं आरओएआरओ के लिए, और उसमें आप पीसीएस की जो भी जो बच्चे हैं उसके लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों की लगभग सेम चीजें होती है। तो साथियों, सब्जेक्ट वाइज हम लोग सॉल्व करें। अभी हमने करेंट अफेयर का सॉल्व किया, अभी फिर हम लोग साइंस का सॉल्व कर रहे हैं, कल हमारी जो पॉलिटी की टेस्ट सीरीज आएगी, फिर इकोनॉमिक्स की आएगी, हिस्ट्री की आएगी, ऐसे सारी चीजों को हम लोग सब्जेक्ट वाइज करेंगे, फिर बाद में जो है मिक्स टाइप के प्रश्नों से करेंगे। तो चलते हैं हम लोग आज की अपना सेकंड पार्ट में देखते हैं, बहुत बेहतरीन। आप लोग नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 81, हम लोग 80 तक देख लिए थे। इसमें आपसे पूछ रहे हैं करेंट अफेयर से संबंधित ये सवाल है, एलिस मुनरो जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, ये इसलिए प्रसिद्ध हैं कि इनको 2013 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस प्रश्न में आपसे यही पूछ रहा है, जिनको 2013 में नोबेल पुरस्कार मिला, एलिस मुनरो को मिला, एलिस मुनरो का भी निधन हो गया, तो उनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है इसको आप बता दीजिए। तो साथियों, आप लोग जान लीजिए ये एलिस मुनरो कनाडा के हैं, ये छोटी छोटी कहानियों के लिखने में बहुत फेमस थे। तो आपको पता चल गया हो जब ये कहानियां लिखते थे तो, यानी इनको जब नोबेल पुरस्कार मिला होगा तो लिटरेचर यानी साहित्य से संबंधित मिला होगा, तो यानी इनको साहित्य के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार मिला था 2013 में। तो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम दूसरा प्रश्न जो है हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न साथियों है जो पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है। तो साथियों, अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है पुलित्जर पुरस्कार 2024 जीता है, यही आपका उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों जीता है, तो आप लोग जानते हैं फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य जो गाजा का युद्ध चल रहा है, वहां की न्यूज को रिपोर्टिंग बहुत बेहतरीन तरीके से करने के लिए इसको जो है ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है। पुलित्जर पुरस्कार एक ये अमेरिकी व्यक्ति थे, वो न्यूज के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था, तो उनकी इच्छा थी कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे नाम से यह जो है पुरस्कार चलाया जाए, तो यही चलाया जा रहा है। तो विकल्प नंबर सी आपका उत्तर होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स। आगे देखें हम लोग, तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इस क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, इसमें कह रहे हैं कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रेड लिस्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं साथियों, ये जो रेड लिस्ट होता है, यह कोई भी प्रजाति जब विलुप्त होने के करार पर होती है या उस पर कोई खतरा, कोई संकट मंडराता है उसके अस्तित्व को लेकर, तो उसको जो है रेड लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, जिसके कारण उसका बचाव करना है, उसको मालूम चले कहाँ इसको इस पर खतरा है, तो इसको जो जारी करती है तो IUCN, आप लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, यही जारी करती है रेड लिस्ट को। आगे हम लोग अगर देखें 84 वाले में क्या है, 84 वाला क्वेश्चन साथियों कल्चर से है, बहुत अच्छा, अभी ये हाल ही में चर्चा था। हाल ही में साथियों अभी अपने तीन ग्रंथ जो है
वो शामिल किए गए हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। तो यही आपसे कह रहा है क्या साथियों, निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर्ड में शामिल है। तो इस संस्था में साथियों, इतनी बड़ी जो संस्था है यूनेस्को की, यह संस्था है, इस संस्था का नाम है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रीजनल रजिस्टर्ड। इसमें अभी भारत के तीन बड़े ग्रंथ जो है शामिल किए गए, रामचरितमानस शामिल किया गया, पंचतंत्र शामिल किया गया, एक और है सहृदय लोका लोकन, उसका नाम है, यहाँ पर वो नहीं दिया है तो उसका नाम याद रखिएगा, सहृदय करके नाम है उसका, सहृदय लोका लोकन, तो यही इसका नाम है। तो इन तीनों को शामिल किया गया, तीसरा नहीं दिया है, तो ये दो है, तो विकल्प नंबर आपका यही हो जाएगा, ए वाला, यही शामिल किया गया है। और साथियों, इस संस्था में इन दोनों ग्रंथों को शामिल करवाने की सबसे बड़ी भूमिका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की है, ये भी याद रखिएगा इन दोनों बातों को। आगे चले हम लोग, 85 में क्या है देखें, यहां साथियों 85 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से फलीदार पौधे राइजोबियम के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, राइजोबियम क्या है, यह एक तरह का बैक्टीरिया है जो दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करता है, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो कह रहा है राइजोबियम के साथ सहजीवी संबंध रखते वाले कौन है इसमें। तो साथियों, ये जान लीजिए, यहाँ पर जो है दिया है हमारा सेसबेनिया, अल्फा अल्फा, मटर, कमल, तो यहाँ पर चार के चारों हैं साथियों, जो ये चार के चारों जो हैं राइजोबियम के साथ संबंध रखते हैं, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अगर 86 पर देखते हैं, तो 86 वाले में साथियों आपसे क्या पूछ रहे हैं देखें, 86 में कह रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया मिट्टी से पौधों की जड़ों में, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो मिट्टी से पौधों की जड़ों में पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है मिट्टी से पौधों की जड़ों में, तो है साथियों परासरण, विकल्प नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा, ये परासरण है। क्वेश्चन नंबर ये 85 का आपका, 86 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ इंग्लिश इसका भी आपको दिखा दें, कुछ बच्चों को ये रहता है सर इसका इंग्लिश भी दिखा दिया करिए, तो देख लीजिए इसका इंग्लिश में ये ऑस्मोसिस लिखा है, क्योंकि तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं उसकी इंग्लिश अच्छी लगती है, हिंदी नहीं, तो ये हो जाएगा। आगे हम लोग अगर आप 87 में देखते हैं साथियों, तो यहाँ क्या दिया है देखें, ये मैचिंग वाला हमारा सवाल गजब का है देखें, तो इसको हम लोग देखें, इसमें थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, आप लोग जान ही गए हैं ये जो है मिलान करने वाला प्रश्न है, और मिलान करने वाला साथियों प्रश्न बहुत अच्छा होता है, हमें थोड़ी सी ही जानकारी में हमें उत्तर मिल जाता है अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक सूची वन में दिया है और ये सूची दो दिया है, तो इसमें हमें इसको मिलाना है यहाँ पर साथियों, तो चलिए मिलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो हमें देखें, जो सबसे अच्छा से हमें क्लियर हो उसी को हम मिलाने का पहले प्रयास करेंगे। तो ये जो है साथियों एस्पिरिन जो होता है, आप लोग मालूम है एस्पिरिन जो चला आएगा ये एना जेल्सिक पर आएगा, तो ये इससे मिल जाएगा, एस्पिरिन इससे मिल जाएगा, और ये रेनिटिडीन ये आ जाएगा एंटा एसिड पे, और एक्रोनाइजिड जो है ये आ जाएगा आपका, ये चला आएगा ये एंटी डिप्रेसेंट पे, और बचा है आपका ये पेनिसिलिन, तो एंटीबायोटिक है सबको पता है ये, तो इस हिसाब से हम देखें हमारा तो क्या जाएगा, तो हमारा जो डी वाला है वो दो पर है, तो इसका मतलब ये उत्तर हमारा देख रहे हैं सी वाला बन रहा है, ये विकल्प नंबर सी, यही उत्तर हो जाएगा, मैंने मिला दिया है, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, बहुत अच्छा सवाल है, फिक्स सवाल, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त, कौन सा ब्लड सार्वभौमिक दाता है, सार्वभौमिक दाता का मतलब यहाँ देख लें साथियों यूनिवर्सल डोनर, यानी किसी को भी दे सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा है, तो विकल्प नंबर बी ओ माइनस जो होता है वो सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर, कौन होता है सार्वभौमिक दाता, ये विकल्प नंबर बी ओ माइनस,
किसी को भी दे सकता है। आगे देखें हम लोग पौधों में, 89 क्या कर रहा है, पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है। कवक को साथियों इंग्लिश में फंगी कहते हैं, फंगस, तो कौन सा रोग फंगस के कारण होता है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो यहां पर जो है ये एक तो तंबाकू वाला, एक तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब ये चावल का अंगमामी रोग ये भी नहीं लग रहा है। ये गेहूं का किट्स रोग जो होता है साथियों ये कवक के कारण होता है। तो 89 का ये डी हो जाएगा हमारा, किट्स रोग, गेहूं का किट्स रोग होता है। आगे हम लोग देखें 90 में, देखें हम क्या पूछ रहे हैं हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम तब होता है जब 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होती है। हम लोग जानते हैं साथियों हम एक सामान्य मनुष्य में जो है कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 माता से मिलते हैं और 23 पिता से। तो 21वां गुणसूत्र जो होता है, 21वें गुणसूत्र में अगर उसकी एक और कॉपी बन जाती है, एक और अतिरिक्त उसकी एक यहाँ प्रति लिखा है ना, एक और अगर वो कॉपी बन जाता है तो साथियों जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, तो डाउन सिंड्रोम होता है, विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। तो याद रखिएगा इसे, डाउन सिंड्रोम। आगे हम लोग अगर देखें 91 में क्या कह रहे हैं हमसे, देखें अच्छा सवाल है, ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित, ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। ट्रांसक्रिप्शन शब्द के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है ट्रांसक्रिप्शन में। तो आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे बायोटेक्नोलॉजी में, डीएनए से आरएनए की कॉपी तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो विकल्प नंबर ए पहले ही दे दिया है, डीएनए से आरएनए की प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का मतलब कॉपी बनाने की ये प्रक्रिया। आगे अगर हम लोग देखें 92 में, तो साथियों यहां देखें एक अच्छा सवाल आपके सामने आया है, और ऐसे सवाल अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं इसी तरह से, तो ये मिलाने वाला है, तो थोड़ा हम इसको बड़ा कर लें, आप लोग जान गए हैं ये मिलाने वाला है। तो चले हम लोग देखते हैं, तो ये थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं तो सही रहेगा, अब सही है। तो एक तरफ साथियों एक जो सूची है हमारी, यहाँ पर एंजाइम दिया है, और दूसरे में कौन सा एंजाइम किस अंग के द्वारा सेक्रेट होता है, स्रावित होता है वो दिया है। तो हमें मिलाकर अपना यहाँ जो हमारा ये सेट है इसमें बता देना है कि कौन सा हमारा बनेगा। तो साथियों हमें जो सबसे अच्छे से क्लियर है उसको हम मिला दें। पित्तरस साथियों आप लोग जानते हैं, पित्तरस पित्ताशय, जो पित्ताशय जो है वो पित्तरस स्रावित करता है, तो ये तो यहाँ चला आएगा, यानी ए वाला जो है हमारा कहाँ पे रहेगा, सी पर। तो देखें ए वाला सी पर, एक तो यहां पर है और एक तो ये डी में है, तो यानी ए होगा हमारा उत्तर, या तो डी होगा। चले हम और थोड़ा सा देख लेते हैं तो हमारा इससे कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए। तो एमाइलेज, इसका नंबर हमें साथियों एमाइलेज बहुत अच्छे से क्लियर है। तो एमाइलेज ये लार ग्रंथियां जो होती हैं वो एमाइलेज एंजाइम स्रावित करती हैं। तो तीन वाला जो हमारा चला आएगा ए पे, तो तीन वाला ए पे, इसका मतलब ये गलत है, डी वाला नहीं होगा हमारा, ए वाला होगा। हमें दो ही जानकारी थी, हमने दो ही से उत्तर को पता कर लिया, हाँ हमारा कौन सा उत्तर होगा ये होगा। अब हम बड़े आसानी से मिला सकते हैं, बी वाला हमारा दो पर चला जाएगा, यानी अमाशय जो है पेप्सिन नाम का जो है ये एंजाइम स्रावित करता है, और हमारा एक जो बचा है ये अग्नाशय, तो पता है अग्नाशय क्या एमाइलेज करता, सॉरी ये क्या है हमारा, ये डी वाला चार पे का, ये ट्रिप्सिन पे आएगा। तो ये हो गया, बहुत अच्छा। आगे हम लोग देखते हैं 93 में, देखें साथियों एक बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बेहतरीन, यहाँ हम लोग कई सारी चीजें, कई फैक्ट देखेंगे। सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई, साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। एम विश्वेश्वरैया, हालांकि इसका नाम एम विश्वेश्वरैया फेमस है, यहाँ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनका पूरा नाम है, इनको ज्यादातर एम विश्वेश्वरैया बोला जाता है। तो इन्हीं यही जो है ब्लॉक प्रणाली के, मतलब सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली तैयार की इनने, बड़ी भूमिका थी इनकी। ये क्या थे, ये एक सिविल इंजीनियर, अपने समय के एक बहुत ही टॉप के इंजीनियर थे ये एम विश्वेश्वरैया।
इन्होंने कहा कि जो ब्लॉक प्रणाली, सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली बनाई, तैयार की, तो ये क्या होता है ब्लॉक प्रणाली, कि बांध और नहर बनाकर खेतों को सिंचाई प्रदान करना, सिंचाई सुविधा प्रदान करना, यही ब्लॉक सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली होती है। तो ये पूरा सिस्टम तैयार करने में इन्हीं की भूमिका रही, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की। तो साथियों, इनका जन्म जो है वो 15 सितंबर का हुआ था, 15 सितंबर को हुआ था। इसलिए भारत, श्रीलंका और कई सारे नॉर्थ ईस्ट के देश में इनके जन्म दिवस पर जो है इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। कभी आपसे पूछे इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को, और क्यों मनाया जाता है, तो इन्हीं विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर। आगे देखें हम लोग, ये देखें आगे क्या है, 94 में, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा का उदाहरण है। तो साथियों, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, थोड़ा सा मैं इंग्लिश वाला दिखा दूं। परंपरागत का मतलब कन्वेंशनल एनर्जी, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब गैर परंपरागत। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, इसका मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा की बात कर रहा है। तो यहाँ गैर परंपरागत का मतलब ऐसी ऊर्जा जो प्रदूषण नहीं फैलाती हो, तो उसे हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूअल, जिस एनर्जी को हम लोग रिन्यूअल कर सके, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, वो ये जो जल विद्युत ऊर्जा हो गया, तो इन सबको हम गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल कहते हैं, या हम लोग रिन्यूअल एनर्जी कह सकते हैं। तो विकल्प नंबर ये सी हो, यहाँ पर केवल एक ही है, पवन ऊर्जा, यही रिन्यूअल है, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा है, बाकी सब परंपरागत ऊर्जा है। परंपरागत ऊर्जा साथियों जो कन्वेंशनल एनर्जी होती है वो प्रदूषण फैलाती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब प्रदूषण फैलाती है। आगे अगर हम लोग देखें 95 में, तो इसमें क्या है साथियों, यहाँ पर देखा है आपको कौन सा पदार्थ प्रकृति में प्रति चुंबकीय है। तो साथियों एक चीज याद रखना, इसको इंग्लिश में डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो आप लोग जानी प्रति मतलब एक समझ लीजिए उल्टा होता है। तो अगर चुंबकीय पदार्थ है, तो जैसे यहाँ पर मैग्नेट हम रख दिए, चुंबक, कोई पदार्थ यहाँ चुंबकीय है तो इसकी तरफ आकर्षित होगा। अगर कोई हम लोग यहाँ डायमैग्नेटिक पदार्थ रख दिए, तो वो क्या करेगा, तो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा, हमेशा चुंबक से जो है दूर भागने का प्रयास करेगा। तो यही काम है, प्रति चुंबकीय जो होती है वो चुंबक से दूर हटने का प्रयास करती हैं, चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन आते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, जल हो गया, पारा हो गया, ये सब प्रति चुंबकीय। यहाँ एक जल दिया है तो हम जल लगा देंगे विकल्प में, जल जो है प्रति चुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक है। आगे हम लोग देखें 96 में, गजब का सवाल है, मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि, क्या पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है। तो साथियों हमारे मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग होता है हाइपोथैलेमस, यह जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि हार्मोन जो स्रावित सेक्रेट करती है उसको जो है कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के एक और प्रक्रिया होती है, हमारे नींद को रेगुलेट करती है, हमारी जो है मनोभावना को रेगुलेट करती है, हमारी भूख को रेगुलेट करती है, ये सब काम जो है हाइपोथैलेमस का होता है। आप लोग जानते हैं हाइपोथैलेमस की एक और बहुत बड़ी प्रक्रिया हो, मतलब एक और विशेषता होती है कि हम विपरीत लिंग वाले व्यक्ति को देखकर जो हमारे मन में आकर्षण होता है और उत्तेजना पैदा होती है वो यही कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ही। तो बहुत बढ़िया है ये, तो फिलहाल इसका उत्तर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। आगे हम लोग देखें 97 में क्या कह रहे हैं, तो 97 में जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ये क्या है, देख लें एक बार हम लोग 97 वाले में, तो कथन कारण वाला ये सवाल है, कथन ए दिया है और कथन आर दिया है, दोनों को पढ़कर सही उत्तर दे देना है। हम यहां देख रहे हैं सही उत्तर की बात कर रहा है, गलत उत्तर नहीं, तो कभी कभी कह देता है गलत उत्तर बताइए। तो पहला वाला जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है यकृत यानी लीवर, इंग्लिश में यकृत को लीवर बोलते हैं और वृक्क को किडनी बोला जाता है। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यस मेरे भाई, बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो यकृत पित्त रस का स्राव करता है, यस यकृत जो है पित्त रस का यहाँ स्राव भी करता है, जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। तो
तो ये दोनों बातें सही है, लेकिन इसका कोई लिंकेज नहीं है या कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यही बात है साथियों। तो ये आपका उत्तर यहाँ बी हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आप नहीं व्याख्या करने का मतलब, जैसे साथियों जैसे मान लीजिए आपका नाम राजू है, आप प्रयागराज में रह रहे हैं, तो अपने नाम की वजह, दोनों बातें सही हैं, आपका नाम राजू भी है आप प्रयागराज में रह रहे हैं, लेकिन ये आप एक दूसरे से बातें ये को रिलेट नहीं हो पा रही हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये भी है, सही तो दोनों है लेकिन एक दूसरे से व्याख्या नहीं कर रही है इसकी। आगे देखें हम लोग अब हमारा 98 में। तो साथियों 98 में हमारा क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब इंग्लिश में ग्लैंड्स होता है, तो मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। तो साथियों में मालूम है हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, कुछ बहिःस्रावी, लेकिन एक अग्नाशय जो है ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो दोनों ग्रंथियों अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। तो विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। इसका इंग्लिश क्वेश्चन अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ देख लीजिए, यही है। तो इसमें कह रहा है फॉलोइंग ओनली ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी विच परफॉर्म्स बोथ बोथ यानी इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, तो ये आपका पैंक्रियास हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, तो ये हो गया हमारा। अब 99 में क्या पूछ रहे हैं हमसे, तो 99 में जो पूछा जा रहा है ये क्या है, धमनियों के संदर्भ में। बहुत अच्छा सवाल साथियों, हमें मालूम हमारे धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, रक्त को हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं, और जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता उसे हम लोग अशुद्ध बोलते हैं। तो धमनियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो धमनियां साथियों जो मतलब हृदय से ब्लड को लेकर विभिन्न शरीर के भागों में ले जाती हैं, वो धमनियां ले जाती हैं। तो धमनियां हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को ले जाती हैं और वो रक्त शुद्ध होता है, शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। और एक ही केवल ऐसी धमनी होती है साथियों, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी को छोड़कर बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, केवल फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, इसको याद रखिएगा। विकल्प नंबर ये दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, 99 का सी हो जाएगा उत्तर। आगे देखें हम लोग अब 100 में क्या कह रहे हैं, क्या गजब का सवाल है यहाँ पर साथियों, कुछ आप लोग सीखेंगे, कई सारी चीजें यहाँ पर आप लोग सीखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो ऐसा कौन सा विटामिन है साथियों जो जल में घुलनशील है, ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको पहले इसका उत्तर बता दूं, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ऐसे विटामिन है, ये विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर केवल बी दिया है सी नहीं दिया, तो आपका उत्तर ये बी हो जाएगा, विटामिन बी जल में घुलनशील है। और आपसे एक चीज यहाँ और पूछता है इसी टाइप में, तो वसा में यानी फैट में, फैट में जो घुलनशील विटामिन होते हैं तो कौन से होते हैं, तो अधिक होता है ए डी ई के, ये सब जो है ए ये डी है, तो अधिक जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो यहाँ एक चीज और इससे पूछ प्रश्न आता है कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज साथियों जो किए थे वो हॉपकिंस किए थे, हॉपकिंस नाम के व्यक्ति विटामिन की खोज किए थे, यहाँ खोज लिख दे रहा हूं, और विटामिन नाम का जो शब्द दिए थे वो पंक दिए थे, पंक लिखा रहता हम लोग पंक पढ़ते हैं, ये दिए थे, तो याद रखिएगा इन सभी बातों को। आगे हम लोग चलें 101 में अगर देखें तो इसमें क्या कह रहे हैं, तो 101 में क्या बात बोली जा रही है साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ यहाँ नीचे चार मतलब कुछ मतलब पूछ रहा है, कौन से या कौन सा रोग का कारक प्रोटोजोआ है, तो यहाँ कुछ रोग दिए गए हैं, कह रहा है कि ऐसी कौन सा रोग है जिसके होने का कारण ये प्रोटोजोआ होता है, तो साथियों डायरिया होता है, आप लोग जानते हैं डायरिया में, तो
एक हाई फीवर, मतलब मलेरिया, मलेरिया में भी हाई फीवर होता है, कालाजार में भी हाई फीवर होता है, डायरिया, ये तीनों जो होते हैं, डायरिया, कालाजार, मलेरिया, ये सब प्रोटोजोआ से होते हैं। तो ये आपका उत्तर 1, 2, 3 कहाँ है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका उत्तर। और यहाँ पर जो गोनोरिया दिया है साथियों, यह बैक्टीरिया के कारण होता है, गोनोरिया जो है यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। तो फिलहाल उत्तर आपका केवल बी होगा, ये 4 जिसमें होगा वो उत्तर नहीं होगा, तो आपका उत्तर बी होगा केवल। 2 में देखते हैं हम लोग, अच्छा प्रश्न है, यहाँ देखें, बिडाल परीक्षण आपसे कह रहा है, बिडाल परीक्षण का यानी बिडाल टेस्ट का उपयोग करके हम किस रोग के निदान किया जाता है। तो साथियों आप लोग को मालूम है, जो आपको कई दिन तक बुखार रहता है, डॉक्टर कई बार दवा देता है, ठीक नहीं होता है, तो आपको बिडाल टेस्ट कराने के लिए कहता है। बिडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड बुखार की जानकारी देता है, तो टाइफाइड बुखार के लिए बिडाल टेस्ट कराया जाता है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका। तो यहां देखें 103 में क्या कह रहे हैं आपसे, लाइकेन क्या है, लाइकेन के संदर्भ में किस, लाइकेन निम्नलिखित में से किस जीव के बीच सहजीवी संबंध है। तो साथियों लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल विकल्प नंबर बी होता है, यही होते हैं। और लाइकेन के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, लाइकेन जो होता है वो एक तरह से मतलब प्रदूषण को भी इंडिकेशन करता है, जहां पर वायु प्रदूषण रहता है वहां लाइकेन नहीं उगता है, क्योंकि वायु प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड होता है और यही सल्फर डाइऑक्साइड इसको उगने नहीं देता है लाइकेन को। तो इस चीज को याद रखिएगा, प्रदूषण को भी इंडिकेटर होते हैं, जहां वायु प्रदूषण होता है वहां ये नहीं उगते हैं लाइकेन। और इसका मैं इंग्लिश वर्जन अगर दिखा दूं आपको, तो यही होगा, फंगी मतलब कवक, एल्गी मतलब शैवाल, इसका उत्तर यही प्रश्न बी हो जाएगा। यहां देखें हम लोग जो क्वेश्चन दिया है 104 में, तो इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, माइटोकांड्रिया के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, 2 कथन, इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो माइटोकांड्रिया साथियों आप लोग जानू है, माइटोकांड्रिया लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। जी बिल्कुल सही है, ये बात सही है। और आप लोग जानते हैं माइटोकांड्रियल डीएनए जो होता है वो केवल माता से प्राप्त किया जाता है, यानी माइट्रो एम डीएनए जो होता है वो माता से प्राप्त किया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। तो ये आपका दोनों बातें सही हैं, बी आपका उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अब हम लोग देखते हैं 105, 105 में क्या है साथियों, 105 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे हम लोग शॉर्टकट में आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी। तो आरबीसी के संदर्भ में ये 2 कथन है, पढ़िए और इसको सही उत्तर दीजिए। तो लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है, जी बिल्कुल सही है, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। और लाल रक्त कोशिकाएं जहां क्षतिग्रस्त होती हैं उसे प्लीहा कहा जाता है। तो प्लीहा मुख्य अंग है जहां आरबीसी नष्ट होती है, यानी प्लीहा को जो है ना ये आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। तो दूसरा भी याद रखिएगा, दोनों सही हैं, तो आपका उत्तर जो होना चाहिए ये बी होगा, 105 का जो है आपका उत्तर ये बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे अगर हम लोग साथियों देखें 6वें में क्या है, 106 में यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है। बहुत अच्छा सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी मतलब संरचना है मानव शरीर में, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है। तो साथियों एल्वियोली होता है, विकल्प नंबर बी होता है, खास करके जैसे टीबी की बीमारी होती है तो वही उसका एल्वियोली ही गड़बड़ हो जाता है ज्यादातर, हालांकि और समस्याएं होती हैं एल्वियोली से ही है। तो एल्वियोली क्या करता है, यह ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, यह आपके जो फेफड़ा होता है उस पर एक जो होता है वो चित्तेदार के रूप में पाई जाती है, वहां आप लोग देखेंगे अगर गूगल पे डाल के ये आपको दिखाई देगा। तो आगे देखें हम लोग अब 107 में, तो यहाँ देखें साथियों, यहाँ थोड़ा सा ऐसे सवालों में ध्यान देना होता है, निम्नलिखित युग्मों जीव विज्ञान की शाखाएं कुछ आपको दिया गया है,
और वो कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं और कह रहा है उससे संबंधित कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो हमें गलत वाले को पकड़ना है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न को, बहुत सारे बच्चों में ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, वो ये सोच लेते हैं कौन सा सुमेलित है तो कोई भी एक ठोक देते हैं। तो ऐसे आंख मूंद कर नहीं, जहां भी नहीं आए तो आप मार्किंग कर लिया करिए। तो साथियों आप लोग को मालूम है ऐसे सवालों में यहाँ क्या देखें, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी जो होता है मछलियों का अध्ययन करता है, ये बात सही है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, क्वेश्चन में हमें गलत बताना है लेकिन ये सही है, इसको याद कर लीजिए। और एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीटों का अध्ययन करता है, ये भी बात सही है लेकिन अभी क्वेश्चन को उत्तर हमें नहीं मिला क्योंकि क्वेश्चन में गलत पूछ रहा है, तो देखें जहां गलत मिले वही इसका समझ लो उत्तर है। जीरोन्टोलॉजी कह रहा है स्वप्न का अध्ययन, जी यही गलत है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि जीरोन्टोलॉजी जो है ये वृद्ध होने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन होता है, यानी वो वृद्ध से संबंधित है, ओल्ड से, तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तो यही गलत हुआ, यही आपका उत्तर होगा क्योंकि यह स्वप्न से नहीं बल्कि यह वृद्ध से संबंधित है, वृद्ध होने की प्रक्रिया। और फाइकोलॉजी जो है उसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। तो तीनों अपने सेंटेंस के हिसाब से सही है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सी सही है क्योंकि सी गलत पूछा तो गलत यही है। आठवां में देखें हम लोग, देखें आठवां में हमसे 108 में क्या पूछ रहे हैं, सवाल है कुछ संस्थाओं के नाम दिया गया है पहली सूची में और दूसरी सूची में हमें जो है ये उसको स्थान का नाम है, ये कहाँ पाई जाती है ये दिया है हमें। तो चले हम लोग शुरू करें, देखें केंद्रीय आलू संस्थान जो है साथियों ये शिमला में है, ये शिमला में है, ये हो गया। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में है, इसको भी हम लोग जानते हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है, और बचा है एक हमारा औषधि अनुसंधान संस्थान, ये अपने लखनऊ में है। तो इसका मतलब डी वाला एक पर होना चाहिए, तो डी वाला एक पर कहाँ है, यहाँ है, और ए वाला चार पर है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं हम लोग नौवे में, बहुत ही गजब बहुत ही बेहतरीन का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। तो देखें आपसे कह रहा है संतृप्त वसा के बारे में आपको कुछ कथन दिया है, संतृप्त वसा के बारे में जानकारी दिया है और कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, यानी जो गलत है उसी को हमें बताना है संतृप्त वसा के संबंध में। तो पहला कथन आप जब ये वाला पढ़ेंगे, पहला कथन तो इसमें कह रहा है संतृप्त वसा सामान्यतः कमरे के तापमान पर तरल होती है। साथियों गलत है, संतृप्त वसा जो होती है सेचुरेटेड फैट्स, ये कमरे के तापमान रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है, ये सॉलिड होती है, यहां याद रखिएगा, ये गलत हो गया है आपका क्योंकि जो असंतृप्त वसा होती है वो कमरे के तापमान पर तरल होती है। तो कमरे का तापमान का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर क्या होती है, हमें कमरे पर रहने के लिए जितना सुखद टेम्परेचर का आवश्यकता पड़ती है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, तो उसी को हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये गलत हो गया। बी वाला पढ़े क्या है, संतृप्त वसा बिना नुकसान पहुंचाए ऊष्मा को सहन करने की स्वाभाविक क्षमता उन्हें खाना पकाने के लिए आदर्श बनाती है। तो यह साथियों संतृप्त वसा ऊष्मा सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए यह हमारे जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देती है, नुकसान पहुंचाती है, तो यहाँ कह रहा है और ये तो सही है बी वाला लेकिन हमसे गलत बताना है। तो सी क्या कह रहा है, संतृप्त वसा सामान्यतः उदाहरण, संतृप्त वसा के उदाहरण दिया है मक्खन वनस्पति तेल नारियल तेल। तो साथियों मक्खन तो होता है, नारियल तेल भी होता है इसके उदाहरण, लेकिन वनस्पति वेजिटेबल ऑयल नहीं होता है, तो वेजिटेबल ऑयल यहाँ पर यही नहीं होगा, ये मक्खन भी होगा नारियल तेल भी होगा, यही गड़बड़ कर दिया देकर, तो इसका मतलब सी वाला भी गड़बड़ है। तो ए और सी गलत हैं, तो विकल्प नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग, अब देखते हैं हमारा 110 में क्या है। तो 110 में हमें क्या पूछ रहे हैं, मैचिंग वाला सवाल है, गजब का सवाल है, हमें कुछ डाइसैकेराइड्स दिए गए हैं पहली सूची में, तो पहली सूची में कुछ डाइसैकेराइड्स हैं, दूसरी सूची में जो है वो कहाँ से प्राप्त की जाती हैं तो वो दिया है। तो साथियों फ्रक्टोज ये फलों से प्राप्त किया जाता है आप लोग जानते हैं, तो ये जो मतलब चीनी से कई गुना मीठी होती है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये,
और जानते हैं लैक्टोज जो होती है वो दूध से प्राप्त हो दी जाती है, दूध से। ये इस पर चला आएगा सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है साथियों, यहाँ पर जो ये हमें दिया है सुक्रोज, तो ये आ जाएगा ये टेबल शुगर से, नाम से ही है, ये टेबल शुगर से आ जाएगा। और हमारा ये कहीं बचा है माल्टोज, ये अनाजों से पाया जाता है, तो ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर कौन बन रहा है, ए वाला 2 पर गया, बी वाला 4 पर गया, सी वाला 1 पर गया, डी वाला 3 पर आया। तो डी वाला 4 पे आया, नहीं, डी वाला 3 पर आना चाहिए ना, तो यही है, तो बी होगा उत्तर आपका, 110 का बी हो जाएगा ये वाला। आगे चले हम लोग 11 का देखते हैं। तो साथियों यहां पर दिया है सवाल आपको आणविक जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत क्या होता है साथियों, जेनेटिक्स की एक प्रक्रिया होती है कि अनुवांशिक सूचना जो होती है वो डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन में जाती है। तो विकल्प नंबर आपकी यह होती है, यही जेनेटिक्स का इंफॉर्मेशन सूचना होती है प्रक्रिया, जो एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। आगे देखें हम लोग 12 में, तो इसका इंग्लिश वर्जन आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पर ये सेंट्रल डोगमा सिद्धांत से संबंधित ये सवाल है, यही आ है आपका उत्तर, ये होगा 12 में देख ले हम लोग। तो क्या है हमारा 12 वाले में, पित्ताशय की पथरी। हमें मालूम है जो पित्ताशय में हम लोगों की पथरी हो जाती है, दो जगह होती है, तो किडनी में तो पित्ताशय में, तो पित्ताशय में जो पथरी पाई जाती है, तो या तो पथरी बोलते हैं या कुछ लोग इसे जो है टेक्निकल भाषा में कोले लिथियसिस बोलते हैं। तो पित्ताशय की पथरी पित्ताशय में बनने वाली पथरी है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बने होते हैं। तो साथियों वो पदार्थ जो होता है कोलेस्ट्रॉल भी होता है उसमें, पित्त भी होता है, बिलूबिरिन भी होता है, यानी विकल्प नंबर डी हो जाएगा, चारों से मिलकर बनी होती है। तो 12 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या है साथियों, यहां पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक में रक्त को छानने के लिए जिम्मेदार है। तो ब्रिक मतलब किडनी, किडनी में रक्त को छानने के लिए जिम्मेदार कौन हो। आप लोग जानते हैं इस ब्रिक में नेफ्रान पाया जाता है, यही नेफ्रान जो होता है वह जो है ब्रिक में रक्त को छानने का काम करता है, जो रक्त में अननेसेसरी होते हैं उनको निकालता है। विकल्प नंबर ये आपका ए हो जाएगा, 13 का ए। 14 का हम लोग देख लें, महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा भाग निषेचन के स्थान के लिए जिम्मेदार है। तो महिला प्रजनन प्रणाली की बात कर रहा है साथियों, इसका इंग्लिश वर्जन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ये फर्टिलाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो साथियों फर्टिलाइजेशन यानी हमारा जो स्पर्म जाता है वो फेलोवियन ट्यूब में होता है, क्योंकि वहीं पर ओम रहता है, तो विकल्प नंबर वहीं उसका ओम से मिलन होता है, तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, फेलोवियन ट्यूब, ये आपका फेलोवियन ट्यूब हो जाएगा उत्तर 114 का। आगे देखें हम लोग, यहां देखें 115 का अच्छा सवाल है, नी कैप। नी कैप को साथियों हम लोग एक आम बोलचाल भाषा में पटेला भी कहते हैं, पतेला, पतेला कोई बोल देता है, कोई पटेला बोल देता है, तो यही है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, नी कैप का कह रहा है क्या, और कोई और नाम क्या है, तो पटेला है तो मैंने पहले बता दिया, तो आप लोग सोच रहे होंगे नी कैप क्या, नी मतलब घुटना होता है, कैप मतलब टोपी होता है, तो जानते ही हैं आप लोग। तो मतलब हमारे जो अंदर शरीर मतलब घुटने जो होता है हमारा, घुटना जहां से मुड़ता है उसके ऊपर एक हड्डी होती है जो कैप की तरह जो घुटने को मजबूती प्रदान करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है, तो उसी को नी कैप बोला जाता है। हमारा जो ये ठेंगुना है ना, तो उसके जहां से मुड़ता है उसके ऊपर एक उसकी सुरक्षा के लिए कैप लगाई गई, तो वही है। 16 में क्या है, तो 16 में साथियों आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा गलत है, यानी कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। तो मानव कपाल में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है, सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान में पाई जाती है, स्टेप्स जिसका नाम है, ये भी सही है।
तो इसका मतलब ये अभी उत्तर नहीं मिला हमें, उत्तर तो गलत बताना है हमें, गलत को। तो अभी तो जो सही है उसको मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी जो गलत हमसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, तभी गलत नहीं मिला। तो अस्थियों, यहाँ क्या कह रहा है, अस्थियों जोड़ों पर टेंडन द्वारा एक साथ जुड़ी होती है। तो साथियों नहीं है, ये बात गलत है। तो यही जो है लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है, वो लिगामेंट होता है उसके द्वारा जुड़ी होती है, टेंडन के द्वारा नहीं। तो यही आपका उत्तर होगा, सी आपका उत्तर होगा। बाकी ए बी सी डी ये अपनी जगह पर सही है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं। तो आपका उत्तर यहाँ जो होगा, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये सी होगा। आगे देखें हम लोग 17 में क्या बताया जा रहा है आपसे। तो 17 में, सॉरी, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, अग्नाशय यानी पैंक्रियास, अग्नाशय में निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा, तो जो आपका 17 का उत्तर होगा, ये बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखें 18 का। प्रसव के दौरान, प्रसव का मतलब साथियों जब महिलाएं कोई बच्चा पैदा करती हैं तो उसे प्रसव बोला जाता है। तो प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो साथियों कौन सा हार्मोन जो जिम्मेदार होता है वो आपसे पूछ रहा है, तो ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन होती है, ये खास करके प्रसव के दौरान महिलाएं जब बच्चा पैदा करने की जो प्रोसेसिंग में होती हैं तो उन्हें इसी तरह का एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि उनके जो गर्भाशय में संकुचन पैदा हो, बच्चा पैदा होने की आसानी के लिए ये लगाया जाता है। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका उत्तर, 18 का बी। तो इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहेंगे, कुछ इसमें टेक्निकल टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा 18 का आपका उत्तर, ये ऑक्सीटोसिन। आगे देखें हम लोग 19 में क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस चरण में पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति सॉरी यहां पर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, विकास के किस चरण में पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति, विकास के किसी चरण में पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति किस संघ की विशेषता है। तो ये किस संघ है, मोलस्क है, कार्डेटा है, आर्थ्रोपोडा है, या कौन सा है। तो ये कार्डेटा है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ये 19 का आपका सी हो जाएगा। 20वां में क्या पूछ रहे हैं, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो कार्बन में कौन सा ऐसा साथियों अपरूप है उसका, जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है वो, तो कौन सा है, ग्रेफाइट है, इसमें कोई डाउट नहीं, विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल में होता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के साथ प्रतिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके एसिटिलीन गैस बनाती है। तो जल के साथ क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाने का कार्य करती है, वो कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आंखों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसी कौन सी एसिड है जिसे हम लोग आंखों को धोने में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ चार दिया है, नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, और एक दिया है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ जो बोरिक एसिड होता है इसको हम लोग आंखों को धोने के लिए करते हैं, खास करके जो ड्रॉप्स वगैरह बनाए जाते हैं उसमें भी इसकी मात्रा रहती है। आगे देखें 123 में, तो 2023 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस नाम के नैनो मटेरियल की खोज के लिए खोज एवं संश्लेषण के लिए दिया गया था। तो साथियों आप लोग जानते हैं, जो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो नैनो मटेरियल की खोज एवं संश्लेषण के लिए मिला है। तो किसके लिए मिला है, कौन सा ऐसा पदार्थ है, किसके लिए मिला है, तो ये जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो चार नाम आपके सामने दिए गए हैं, तो चारों नामों में कौन सा है साथियों, ग्रेफीन है, फ्लोरीन
पुलरीन है, क्वांटम डॉट्स और ये कार्बन नैनो ट्यूब। तो ये क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है, विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने रसायन नोबल पुरस्कार मिला है। तो आप लोग अब कमेंट में बताइए 2023 का रसायन का, विज्ञान का यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार किसको मिला है। तीन लोग नाम होगा। एक मिनट, फिर से देखते हैं। 124 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन यानी सस्पेंशन के संबंध में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, गलत है। तो आप लोग को जानते हैं यहाँ पहला, इसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो साथियों इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है निलंबन को, खास करके जो है जो सूर्य की जो है एक टॉर्च वोर्च के मतलब जलाकर इसको देखा जा सकता है। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, इसमें कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है। निलंबन को इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं, तो निलंबन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा गलत है, उसे बताना है। तो इसका आपको इंग्लिश वाला अगर दिखाना चाहें तो आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश में यही है, ये सस्पेंशन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग कौन सा सही नहीं है निलंबन के संबंध में। तो आप लोग जानो है निलंबन जो होते हैं, जो यानी हवा में तैरे रहते हैं पार्टिकल्स, तो उन्हें निलंबन कहते हैं। इन्हों हम खुली आंखों से देख सकते हैं भाई, आराम से देख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि नहीं देख सकते, तो गलत है भाई, हम लोग देख सकते हैं खुली आंखों से, तो ये गलत हो गया। अब बी वाला में क्या कह रहा है, यह बड़े आकार के कण कारण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो यस, जो बड़े कण होते हैं उन्हीं के कारण टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव का मतलब, अगर आपके घर में रोशनदानी होगी, सुबह सुबह धूप आ रही होगी, तो आप देखिएगा कि धूप की जो मतलब एरिया है उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे, वही टिंडल प्रभाव है। तो ये बात तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है। सी वाला पढ़ते हैं, निलंबन को अप्रभावित रखा जाए तो इसमें उपस्थित कण तल में स्थिर नहीं होंगे। तो साथियों होंगे, गलत है ये भी गलत है, यानी ए और सी होगा। डी वाले का उत्तर मतलब ये 124 का डी हो जाएगा। 25 का, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। लाफिंग गैस मतलब साथियों इसे हास्य गैस भी कहा जाता है, तो किसे हास्य गैस कहा जाता है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड, विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा। ये नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। यह 1772 में ये प्रिस्टले के द्वारा खोज किया गया था, ये 1772 में प्रिस्टले के द्वारा ये खोज किया गया था। आगे देखें हम लोग 126 में, 126 में क्या पूछ रहे हैं हमसे, कह रहे हैं ब्रोमीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ब्रोमीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो हमें सही उत्तर देना है। तो ब्रोमीन के संदर्भ में अगर हम लोग पढ़े होंगे ये ब्रोमीन नाम के जो एलिमेंट्स है, तो हम लोग कर ले जाएंगे बड़े आसानी से। तो यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है, जो कमरे के तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रूप में पाया जाता है। यस बिल्कुल सही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन जल विघटन हो जाता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है, रिलीज करता है। यस, तो यहाँ पर जो दोनों बातें हमारी सही हैं, डी हो जाएगा। 26 का हो जाएगा हमारा डी, दोनों बातें सही। 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब आप लोग यहां देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शंस ऑफ लाइट। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कौन सा ये इसका उदाहरण नहीं है। तो यहां पर देखेंगे आप लोग कौन सा इसका उदाहरण नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसका कौन सा उदाहरण नहीं है। तो साथियों जो हीरे की चमक है ये भी है उदाहरण इसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और आप लोग गर्मियों के दिनों में जो देखे होंगे
कि दूर से सड़क पर दिखाई देता है, कैसे लगता है सड़क पर पानी है लेकिन वो पानी नहीं रहता है, तो भी सड़क पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। उसी क्षेत्र में जहाज के हवा में उल्टे लटके हुए दिखाई पड़ देता है, ये भी सही है। और रेगिस्तान में मृग तिसड़ा, ये भी सही है। यही जो मैंने अभी बताया सड़क वाला, ये भी मृग तिसड़ा का ही रूप है। तो सभी सही है, मतलब यहाँ तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। इसमें क्या कहा जा रहा है, कौन सा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका हम आपको इंग्लिश वर्जन दिखा दे रहे हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कौन सा यहाँ पर उदाहरण नहीं है, ये आपसे बता रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो है हीरे की चमक, ये भी नहीं है। शीत क्षेत्रों में जहाज में हवा में उल्टे लटके दिखाई देते हैं, ये भी नहीं है। रेगिस्तान में मृग तिसड़ा जो होती है, ये भी नहीं है। तो विकल्प नंबर डी उपर्युक्त सभी, तो कोई भी नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन साथियों क्या होता है, जैसे कि उसका जो है अंदर ही अंदर उसका मतलब रह जाए उसका लाइट। तो जैसे आपका जो केबल आता है वाईफाई वाला, ये सब जो होते हैं वो उसके ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, फाइबर ऑप्टिक जिसे बोला जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, तो ये सब जो होते हैं उसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है कोई भी सही नहीं है, विकल्प डी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा समसामयिक समस्थानिक सीधे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ईंधन देने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, कौन सा किसको कौन जो है परमाणु ऊर्जा को ईंधन को देने का काम करता है? तो ये आप लोग को देखे होंगे कि यूरेनियम 235, ये वाला वर्जन यूरेनियम का, ये आइसोटोप्स। आगे देखें 29 का, निम्नलिखित में से किस कण को घोस्ट पार्टिकल यानी भूत कण भी कहा जाता है? तो कौन होता है ये न्यूट्रिनो होता है, विकल्प नंबर डी। 30 में, स्थिर संतुलन बनाए रखने के लिए साबुन के बुलबुले के बाहरी बाहर की तुलना में अंदर का दबाव कितना होना चाहिए? तो स्थिर संतुलन बनाए रखने के लिए जो साबुन का बुलबुला होता है, बाहर की तुलना में अंदर का दबाव कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए अधिक होना चाहिए? तो साथियों अधिक होना चाहिए, यानी अंदर का दबाव ज्यादा हो बाहर वाले से, तब वो अपने संतुलन की स्थिति में बना रहेगा। आगे देखें 31 का, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्य की सबसे बाहरी परत है? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत साथियों प्रकाश मंडल होनी चाहिए, प्रकाश मंडल होगा। तो विकल्प नंबर आपका ये मतलब सबसे बाहरी, अच्छा पूछा है ना, तो प्रकाश मंडल को तो ये होता है कोरोना होता है जो दिखाई देता है, तो सूर्य की सबसे बाहरी परत है तो ये कोरोना होगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 31 का, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो ग्रह होते हैं साथियों, ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और ग्रह का जो चक्कर लगाता है वो उपग्रह होते हैं। तो जैसे पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और चंद्रमा जो है वो उपग्रह है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो वही बात है यहाँ, समझ जाइएगा। तो ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है किस ग्रह के, बृहस्पति, शनि, मंगल, यूरेनस, तो किसका सबसे अधिक है साथियों, तो ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ इस समय जो शनि की होना चाहिए, शनि की सबसे ज्यादा हो गई है, देख लीजिए आप लोग, शायद अपडेट यही हुआ है, पहले बृहस्पति का था तो अब जो है वो शनि का सबसे ज्यादा हो गया है। तो आगे देखें हम लोग 33 में, निम्नलिखित में से कौन सा गैस मुख्य रूप से सिंथेटिक गैस में मौजूद होती है? तो कौन सा गैस मुख्य रूप से सिंथेटिक गैस में मौजूद होती है, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो हाइड्रोजन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, एथेनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। तो साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन ये सिंथेटिक गैस में मौजूद होती है, विकल्प नंबर डी आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो साथियों सौर ऊर्जा जहां सबसे ज्यादा
सबसे अच्छी खासी धूप मिलती हो, जहां ज्यादा वर्षा न होती हो, तो इसका मतलब सीधा आप लोग हमारा इशारा समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, यही बी राजस्थान। आगे देखें, क्रिकेटरों द्वारा गेंद पकड़ने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर घुमाना किसका उदाहरण है? तो साथियों यह जड़त्व के नियम का उदाहरण है, ये न्यूटन की गति, ये सॉरी न्यूटन की गति का ये जो है, ये वाला इसमें लॉ ऑफ मोशन तो नहीं होगा ये, तो अपना हाथ पीछे की ओर घुमाना किसका उदाहरण है? तो ये न्यूटन की गति का ये तो द्वितीय नियम, हाँ द्वितीय नियम होगा क्योंकि यही जड़त्व नियम है, तीसरा तो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, यही होगा विकल्प नंबर सी। क्योंकि साथियों जैसे हम लोग अगर गेंद पकड़ते हैं तो थोड़ा सा हाथ को पीछे करते हैं तो हमें चोट हाथ में नहीं लगती है, जैसे हम लोग छत पर से कूदते हैं नीचे अगर बालू है या कुछ घास है तो वो हमारी जो है उसमें चोट कम लगती है, क्योंकि थोड़ा सा जो बल होता है वो जैसे ही समय थोड़ा सा लगता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो विकल्प नंबर सी आपका यही उत्तर होगा। जल की अस्थाई कठोरता को किससे दूर किया जा सकता है? तो जल की जो परमानेंट यानी अस्थाई कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है ये आपसे पूछ रहा है, तो किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? वॉशिंग सोडा के द्वारा। तो यहाँ पर हमें दिया है, मिलाने वाला सवाल दे दिया है, बहुत भारी है, आधा दिया है आधा अगले पेज पर है। तो सूची एक है सूची दो है, इसे ही हमें मिलाना है अच्छे से। तो देखें तो कैसे है, अगला देखें कहाँ पर इसका विकल्प है किस दुनिया में, तो यहाँ है, तो ये वाला सूची एक तो है और सूची दो है। तो रेयान साथियों, रेयान क्या होता है? लकड़ी की लुगदी पर उपयोग करके बनाया जाता है रेयान, ये तो ये हो गया। पॉलिएस्टर, कपड़ों को आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, यस पॉलिएस्टर में ही होता है। और नायलॉन, पैरासूट पर स्टॉकिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और टेफलान, ये नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए। तो इसका मतलब सब सीधे के सीधे मिले हुए हैं, तो आपका उत्तर जो होना चाहिए वो उत्तर आपका ए होना चाहिए, 37 का ए। आगे देखें हम लोग, एक्वारेजिया का प्रयोग समानता निम्नलिखित में से किसको घोलने के लिए किया जाता है? एक्वारेजिया साथियों एक तरह का ये तेजाब होता है, कह रहा है किसको घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सोना और प्लेटिनम को घोलने के लिए। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समानता हीटिंग उपकरण में हीटिंग तत्व के रूप में किया जाता है? तो हीटिंग उपकरण में हीटिंग तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो नाइक्रोम का तार जो प्रेस में आपके लगा होता है, और हीटिंग जो होता है जैसे आप लोग देखते हैं जो हीटर वगैरह होता है उसमें नाइक्रोम का तार होता है, यही है। तो 140 में क्षेत्रीय संपर्क योजना में उड़ान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन है और सही उत्तर दीजिए हमें। तो सही उत्तर देना है, शिमला से दिल्ली को जोड़ने के लिए 2017 में पहली आरसीएस उड़ान पायलट का उद्घाटन किया गया, यह सही है। आरसीएस का उद्देश्य भारत के दूर दराज क्षेत्री में हवाई संपर्क सुधारना, यस ये भी सही है। तो उत्तर आपका यहाँ ए हो जाएगा, 40 का ए। देखें, उत्तर प्रदेश में 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसके संबंध में दो कथन है। तो उत्तर प्रदेश में 82 लोकसभा सीटें, गलत साथियों, 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में कराया गया, यस। तो उत्तर आपका केवल बी होगा, 41 का आपका बी हो जाएगा उत्तर, सिंपल से प्रश्न है सब। 42 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला और साथ ही उत्तर प्रदेश से संसद सदस्य के रूप में भी कार्य संभाला? तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे साथियों, तो इसमें आपको नाम दिया है, तो अब हमारे मोदी जी खुद हैं ऐसा,
मोदी जी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक तो मोदी जी हो गए, तो यानी अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि मोदी जी तो रहना चाहिए। और इंदिरा गांधी खुद थी, यहाँ से रायबरेली से वो लड़ती थी, तो ये भी हैं। तो यानी इन दोनों को तो सब, नेहरू जी भी थे, नेहरू जी भी थे, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रयागराज से वो रहते थे वो भी। तो ये हमारा जो है दो तीन चार तो हम कंफर्म है, और अटल बिहारी वाला कंफर्म नहीं है। तो या तो हमें अब लग गया उत्तर, या तो हमारा बी होगा या तो सी होगा, डी होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब हमारा कंफ्यूजन ये आ रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी, साथियों मैंने सुना है वो एक बार जो है वो जो है चुने गए थे जब 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। तो मतलब कब बने गए थे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना कंफर्म है हाँ वो चुने गए थे। लेकिन ये तीनों का तो मैं कंफर्म हूं। तो उत्तर आपका यहाँ डी होगा, उत्तर विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी चुने गए थे। आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा वो कब चुने गए थे, कहाँ से चुने गए थे, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। आगे देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारतीय शहरों में प्रदूषण के स्रोत है? तो भारतीय शहरों में प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं साथियों, वहां पर ये आपको दिया है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी है। तो लेकिन सभी कहाँ है ये तो नहीं है इसमें। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए जी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए। ये आपका उत्तर बी होगा। 44 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24 में ट्रांसमिशन उपयोगकर्ताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के संबंध में कौन सा दो राज्य शीर्ष पर है? तो कौन से दो राज्य शीर्ष पर हैं साथियों, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो राज्य टॉप पर हैं उनके बारे में बताना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तो दो दो का जोड़ा दिया गया है। तो कौन सा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात? तो उत्तर प्रदेश गुजरात है ये वाला। तो यहाँ पर दिया है BHU के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना 16 में हुई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय यानी बेसेंट के संस्थापक सदस्य हैं। तो 45 का आपका उत्तर यही बी हो जाएगा, विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा 45 का। तो आगे बढ़ें, 46, जल की सतह पर जो सुई तैरती है वो किसका किसके कारण होता है? तो साथियों ये जो जल की सतह पर सुई तैरने लगती है तो ये किसका उदाहरण है? तो पृष्ठ तनाव का है। आगे देखें 47 में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह भारत का 45वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? भारत का 45वां टाइगर रिजर्व है जी, सही है। उत्तर प्रदेश पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी तथा बहराइच के तराई क्षेत्रों का भाग है, यह तीनों जिलों में पड़ते हैं। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। 48, पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम पारित किया गया, यह कब पारित किया गया था? 2014 में। डेंगू के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, तो कौन सा सही है? सही उत्तर देना है तो कौन सा सही है? डेंगू दिवस साथियों जो होता है, कह रहा है कि इसमें 2000 ये 24 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो ये वाला तो हमें लग रहा है गलत है, 24 मई को मनाया जाता है, क्योंकि तो हमसे सही कथन पूछा है ना। तो कौन सा कथन सही है? तो डेंगू दिवस 24 मई को मनाया जाता है। तो साथियों ये गलत है, ये सही नहीं है। और दूसरा, डेंगू वायरस एडीज एजिप्टी मादा मादा मच्छर द्वारा फैलता है, ये तो हमें कंफर्म हूँ ये सही है। तो दो वाला यहाँ पर ये जो है ये सही है और ये गलत है, क्योंकि 24 मई नहीं, ये 16 मई को मनाया जाता है। तो 16 मई को डेंगू दिवस, तो ये आपका उत्तर केवल बी होगा। 50 में, विद्युत बल्ब निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरा जाता है? विद्युत बल्ब में साथियों निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन या आर्गन।
50 का आपका उत्तर जो होना चाहिए वो ए हो जाना चाहिए, ये वाला। तो साथियों आज हम लोगों ने साइंस का और उससे जुड़े करंट अफेयर्स की चीजों को, 150 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज थी अपनी, जो आरओ एआरओ के लिए हमारी यह आज यह टेस्ट नंबर 2 था, तो इसको देख लिए। अब आगे हम लोग ये इंडियन पॉलिटी का टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, तो इंडियन पॉलिटी में साथियों हम लोग देखेंगे उसमें सारी की सारी चीजें, और जो उसमें करेंट से चीजें होती हैं वो भी इंक्लूड रहेंगे उसमें। तो चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।